गुड इवनिंग एवरीवन, आप देख रहे हैं साइको सॉल्यूशन विद डॉक्टर कशिका जैन और मैं हूं आपके साथ प्रीति। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक पर जो अभी हमें छोटे नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ सालों बाद वो बहुत बड़ा रूप धारण कर सकते हैं और उनसे हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। इस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू केयर सिंगल चाइल्ड और इसी टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर कशिका जैन जो कि शहर की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। इसके साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और लास्ट 25 ईयर से मेरठ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि आज हम बात कर रहे हैं कि सिंगल चाइल्ड अगर आपके हैं तो आप उनकी कैसे केयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूंगी कि घर में जब हमारा एक इकलौता बच्चा होता है उसको कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिलता है कि ये तो अकेला ही है, हमें सारा प्यार इसी पे दिखाना है, इसी से सब कुछ कराना है, तो क्या उनके बिहेवियर्स में कौन कौन से चेंज देखने के लिए मिलते हैं? देखिए, जरूरत से ज्यादा जब किसी को भी इम्पोर्टेंस मिलेगी तो नेचुरली वो कहते हैं ना कि दिमाग खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। सो वैसे ही जो इकलौते बच्चे घर में होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो वहां पर वो भी बच्चा ये समझ जाता है कि मैं अपने घर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हूँ, और पेरेंट्स के लिए नहीं, दादा दादी के लिए भी और इवन और भी जो फैमिली है। और वो बच्चा क्योंकि कई बार दिन में ये सुनता है कि ये एक ही तो है, इसी के लिए सब कुछ है, इसी के लिए हम कर रहे हैं, या दादा दादी भी ज्यादा फेवर करते हैं ऐसे बच्चों का। सो अभी क्या होता है ना कि बच्चे को भी ना ये मैसेज एक चला जाता है कि भाई मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ इस घर में। तो ऐसे बच्चे क्या है कि बहुत ज्यादा ना टैंट्रम शो करने लग जाते हैं, जिन चीजों में रिएक्ट नहीं करना होता उन चीजों में भी रिएक्ट करने लग जाते हैं। ऐसे बच्चों में धीरे धीरे एम्पैथी की कमी देखी जाती है। एम्पैथी की कमी होने की वजह से वो दूसरों की फीलिंग्स के लिए उतना जेनरस नहीं होते हैं, वो अपनी चीजें शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, उन्हें जो चीज जब चाहिए तभी चाहिए, मुंह से निकलते ही बात पूरी होनी चाहिए। और पेरेंट्स ऐसा करते भी हैं, उन्हें पैम्पर करते हैं और उनके टैंट्रम्स को एंटरटेन भी करते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या है कि छोटी-छोटी बातों पर माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल भी करना शुरू कर देते हैं, और उनकी ब्लैकमेलिंग छोटे मोटे इश्यू से शुरू होती है और बड़े होते होते वो इतना ज्यादा कई बार पेरेंट्स को टॉर्चर कर देते हैं कि पेरेंट्स खुद भी दुखी हो जाते हैं। और देखा गया है कि प्रीति ऐसे बच्चों में सोशल स्किल्स की कमी होती है, और इस सब के लिए हमारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज आज ज्यादातर घरों में माता पिता दोनों ही बाहर काम करते हैं, बच्चा या तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पल रहा होता है या फिर ज्यादातर वो मेट्स के साथ। अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है तो फिर भी वो सेफ जोन में है, बिकॉज ठीक है आप उसके ग्रैंड पेरेंट्स ज्यादा पढ़े हुए नहीं है लेकिन वो उसको शिक्षा तो अच्छी ही देंगे। बिल्कुल। लेकिन वो क्या है, उनकी आदतें सीखने लग जाता है, वो उनके जैसी सी बातें करने लग जाता है, तो इससे भी पेरेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो आते हैं शाम को और वो ये देखते हैं तो अपनी दादी की जबान बोल रहा है या अपने दादा से कुछ सीख रहा है। तो इसमें भी वो क्या है, उस बच्चे को जाने अनजाने कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि उसके माइंड में डिस्टेंस मेंटेन रहे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। लेकिन इसका और उल्टा असर पड़ता है, बच्चा उनकी भी इज्जत करना थोड़े टाइम बाद बंद कर देता है। अगर वो मेड के साथ पल रहा है तो और भी ज्यादा इश्यूज है। मेड अगर चाहे भी ना कुछ अच्छी बात सिखाना तो मेड को क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है कि बेबी जो कहे आपको वही करना है, बेबी को पैम्पर करना है, किसी चीज के लिए मना नहीं करना है। और बेबी को भी आप बोलते हैं मेड अगर कुछ ऐसे बोले ना तो आप मुझे बता देना, ठीक है? तो आपने उसको शुरू से एक चौकीदार बना दिया। बिल्कुल। तो उसे क्या लग रहा है कि अच्छा मेरा ऑर्डर मानना सबकी जिम्मेदारी है, मैं जो हूँ वो बहुत ही बड़ा नवाब हूँ, और ये सब जो लोग हैं ये मेरी जो इच्छाएं हैं वही पूरी करने के लिए भगवान ने मेरी जिंदगी भेजा है। तो ऐसा बच्चा बाहर जाके एडजस्ट ही नहीं करता है, वो स्कूल में गया या अपने किसी फ्रेंड्स या पार्टी में गया तो आप देख लीजिए जो सिंगल चाइल्ड होते हैं वही सबसे ज्यादा टैंट्रम शो करते हैं बाहर जाकर, क्योंकि उनको एडजस्ट करना ही नहीं आता है। और जब उनसे एडजस्टमेंट की बात आती है तो ये उनके लिए बड़ा ही नया फीचर होता है और माइंड कहता है ये तो पैटर्न है ही नहीं, पैटर्न नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, है ना? तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, खुशामद करते हैं बाहर वालों की, बोलते हैं अरे इसको दे दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब उसे लाचारी की बीमारी से घेर देते हैं। तो सिंगल चाइल्ड की पेरेंटिंग जो दो तीन बच्चे घर में होते हैं उनसे ज्यादा टफ होती है, बिकॉज उसमें आपको बहुत ज्यादा अपने एक एक एक्शन और रिएक्शन के लिए
केयरफुल रहना पड़ता है. बच्चे को कहीं से भी ये मैसेज कन्वे ना हो कि वो नॉर्मल से कुछ स्पेशल है. अगर जैसे ही उसको ये मैसेज कन्वे, वो अपने आप को प्रिंस या प्रिंसेस समझने लगेंगे. और प्रिंस या प्रिंसेस को हम सीरियल्स में या मूवीज में इस तरीके से स्टोरीज में देखते हैं कि बस उनका तो एक काम है शाही जीवन जीना और उनके लिए बाकी सबको वो करना. सो वो शाही जीवन जो आपके सारे सपने एक ही बच्चे पे टिके हुए हैं, वो सारे धूमिल भी हो सकते हैं अगर आपने बच्चे को राइट पेरेंटिंग बचपन से नहीं दी. आपने उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया, आपने उसे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं कराया. तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो सिंगल बच्चे होते हैं वो थोड़े दब्बू किस्म के बन जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते. वो हर काम के लिए खुद आगे रहते हैं. अब जब हर काम के लिए खुद आगे रहेंगे, आप या मैं ही हूँ, हमें हर काम पका पकाया मिलेगा, तो हम क्या बेवकूफ है कि जो है ना अपने लिए मेहनत करना चाहेंगे. अब बड़े होकर क्या है, सो पेरेंट्स की ये बड़ी इश्यू है कि ये किसी चीज में इनिशिएटिव नहीं लेता, ये कुछ करता नहीं है. तो हमने बच्चे को हैबिट डाल दी, हैबिट डाल दी, तुम्हें सारी चीजें इजीली मिल जाएंगी. और फिर बाद में ना हम उसी को बोल रहे हैं किसी चीज में एफर्ट्स नहीं डालता, इसके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, इसका कम्फर्ट जोन ही नहीं टूटता है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है. तो ज्यादातर बच्चे दबू या फिर वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि आदत पड़ जाती है ना उनको प्रिंस जैसा बिहेव करने की. आपका बच्चा आते के लिए तो राजकुमारी या राजकुमारी है, बट जब वो दुनिया में बाहर निकलेगा तो वो तो नॉर्मल बच्चा है. जब उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो उसे घर में मिल रहा है, वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा. तो दोनों ही तरीके से इफेक्ट्स आ सकते हैं. तो ये मेजर बिहेवियरल इश्यूज देखे जाते हैं. तो देखिए पेरेंट, जैसे कि मैम ने बताया, आप अपने बच्चे को किस तरीके से पाल रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं और वो बड़ा होकर क्या बनता है, ये कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड करता है. थोड़े से अपने बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, उसके अंदर ह्यूमैनिटी हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा उनको फ्री रहने दें. इसके बाद सर आपसे जानना चाहूंगी कि सिंगल चाइल्ड जो होते हैं और जो सिबलिंग्स होते हैं, उनमें क्या मेडिकल डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं? जैसे कोई बीमारी हो गई बच्चे को तो क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से हील करते हैं? काफी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है अक्सर, क्योंकि मेरे पास तो बाहर से बच्चे बहुत आते हैं. पता चला एक पूरी कार भर के रिश्तेदार आए हैं बच्चे के साथ और मुझे उसे देख के ऐसी आवाज आती है कि कोई पालकी है जिसमें राजा साहब आए हैं, उसके साथ पूरी प्रजा आई है. मुझे पूछना पड़ता है क्या हो गया जो इतने सारे जने आए हो, तीन चार बुजुर्ग, तीन चार जवान और सिर्फ बच्चा, बोली से बुखार हो गया. और जनरली मेरे पास आउट स्टेशन से आते हैं तो काफी सारे टेस्ट वेस्ट भी होंगे, तो फिर मुझे बच्चे को देखना होता है, फिर उसे समझाता हूँ. बट वो मुझे हमेशा ये लगता है कि इसको प्रॉब्लम तो है बट इतनी ज्यादा नहीं है जितना ये बच्चे को, बच्चे से पूछ पूछ के बेटा पेट में दर्द है, बेटा पेट में दर्द है, बेटा सिर में दर्द है, बेटा कुछ खा ले, माइंड में सेट हो जाता है. खा रहे तो वो उस समय नहीं खाना चाहता, तो वो उसे जबरदस्ती करते रहेंगे खाने की और उससे वो उल्टी करने लगता है. और जैसे जनरली जो लोकल पेशेंट भी होते हैं, वो पहले दिन अगर बुखार में आ जाए और सिंगल चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर दैट बेबी, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन होती है आज बुखार हुआ, जब हमने सीनियर डॉक्टर को दिखाया तो अभी ठीक होना चाहिए. और फिर वो नेक्स्ट डे आएंगे फिर बोलेंगे कि डॉक्टर साहब जब दवाई देती हूँ तो बुखार उतर जाता है, फिर बुखार आ जाता है. But this is very common sentence. And I'm so surprised. भाई दवाई से तो बुखार उतर रहा है, दवाई तो देनी ही पड़ेगी. It does not mean कि आपने पहले दिन बुखार की दवाई दी और पहले दिन ही बुखार चला जाएगा. Mostly fever viral है और अब उनकी intention होती थी test करा लो. They force you to advise test. या वो कहेंगे बच्चा हमारा दवाई नहीं खाता, इसे admit कर लो या इसको injection लगा दो. वो उन्हें इतना बार बार उनके जो हाइंडसाइट में, जो उनके दिमाग में चल रहा होता है कि हमारे तो एक ही बच्चा है, हमारे तो एक ही बच्चा है, तो कुछ का तो सेंटिमेंटल रीजन ये भी है कि उन्हें दूसरा नहीं होना है. उनकी एज की वजह से या कोई मेडिकल इश्यूज की वजह से दूसरा नहीं होना है, तो और ज्यादा उसके ऊपर फोकस हो जाएंगे, पैम्पर कर देंगे उसको, बहुत ही परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. तो जो आदमी परफेक्ट नहीं है दैट डज नॉट मीन वो कुछ नहीं करेगा. उसे परफेक्ट अपने या जो खुद नहीं कर पाए, सपोज मदर टेनिस खेलती है तो वो जरूरी नहीं है साइना मिर्जा बन गई, तो मगर वो अपनी बच्ची को जरूर बनाएगी. वो सोचेंगी कि मैं नहीं कर पाई तो मेरा बच्चा कर पाए, अभी कर दे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि जो प्लेयर है या वो डॉक्टर है या सिंगर है कि उसकी कितने साल की यात्रा है उस परफेक्शन को लाने में. वो अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं 7-8 साल 10 साल की उम्र में परफेक्शन होना चाहिए, तो वो अपना बर्डन उस बच्चे पे डाल देते हैं. और बच्चे का सोचने का तरीका भी बड़ा आम है,
आजकल एग्जाम में देखो आप जनरली सिंगल चाइल्ड होंगे ना तो उनके पेरेंट्स उन्हें हवा कर रहे होंगे जब वो लंच टाइम होगा या एग्जाम से जाने से पहले होगा. तो मैंने जो पर्टिकुलर जो मेरे साथ के भी बच्चे रहे हैं या जैसे मेरे पास इतने बच्चे आते मैंने देखा जो सिंगल चाइल्ड है नॉर्मली कैरियर वाइज वो उतना अच्छा नहीं करते अंटिल अनलेस किसी फादर का बिजनेस है उसने अपने बिजनेस में उसे इन्वॉल्व कर लिया. बट क्योंकि उनमें ना जुझारू जो चीजों को इम्प्रूव करने की पावर है जैसे देखिए सबसे गलती होती है सबको भय रहता है उसे इम्प्रूव करने के लिए वो उतना हार्ड वर्क नहीं करते वो फॉरन गिव अप कर देते हैं या तो यू प्रोवाइड देम क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे से पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं आप नहीं करो हम हैं सपोर्ट दो या वो उसे फेल कर देंगे. और ऐसे पेरेंट्स मैंने देखा वो टीचरों की कमी निकालते रहेंगे दे विल ब्लेमिंग अदर्स. पांच पांच ट्यूशन पढ़ाते हैं रेगुलर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनको वो बेसिक्स पे ध्यान ही नहीं देते उन्हें बस यही बात खाई जाती है अकेला है अकेला है. और मैं कई बार उन्हें समझाने के लिए कहता हूँ भाई इसके मम्मी पापा भी तो अकेले ही हैं दादा दादी तो एक ही हैं ये क्या दो दो हैं जोड़ो जोड़े में थोड़ी हैं ये भी एक ही हैं. तो आप समझो ना इस बात को इतना ज्यादा जाहिर करोगे तो ये बच्चा हर चीज को बढ़ा के महसूस करेगा. तो जितने फंक्शनल बच्चे पेट दर्द के साथ सिर दर्द के साथ या उल्टियों के साथ आते हैं उनमें जनरली वो सिंगल चाइल्ड होते हैं ओनली चाइल्ड होते हैं और उनको जैसे पढ़ाई के लिए भेजा या किसी भी चीज के लिए भेजा तो अच्छा इनके पेरेंट्स को समझाना भी बहुत मुश्किल है. मैं कहूंगा तो बच्चा बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब उल्टी कर रहा है तो एंड दे वांट इमीडिएट क्योर तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है भाई ये इतना बीमार नहीं है. और फिर हम उन्हें अल्ट्रासाउंड कराते हैं उनके एक्सरे एक्सरे कराते हैं तब जाके धीरे 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 वो समझते हैं कि इसको कुछ नहीं और हमें झूठ सच बोलना पड़ता कि गैस है इसके बिकॉज आपने कहा ये बच्चा ऐसे महसूस करा तो उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा. तो उनकी जो सेंसिटिविटी है फीवर के लिए पेन के लिए वो बहुत डिफरेंट हो जाती है वो थोड़ी सी चीज को बहुत बड़ा समझते हैं बच्चे भी पेरेंट्स तो समझते ही समझते हैं बच्चे भी बहुत बड़ा समझने लगते हैं कि जैसे पता नहीं कितना बीमार हो गया. जैसे मैं पेरेंट्स को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए हम सब बैठे हैं जैसे हम चारों ही बैठे और एक बच्चा भी है यहाँ तो अगर बाहर बम फट जाए बाहर आग लग जाए तो हमारा बच्चा कब डरेगा. हमारा बच्चा जब डरेगा जब बड़े डर जाएंगे और अगर हम नॉर्मली बात करते रहेंगे तो नहीं डरेगा. अब प्रॉब्लम क्या होती जैसे उसे बुखार हुआ तो सारा परिवार लग गया बिल्कुल कि बेटा तुझे तो बुखार हो रहा है कुछ खा ले कहीं ना कहीं हम उसके माइंड में बिठा देते हैं कि तू बीमार है. उसको इतना ज्यादा कहेंगे और बच्चा बिल्कुल बुझा हुआ क्लिनिक पे आएगा कि भाई बुखार नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया. तो दे बिहेव सो मिजरेबली और उन्हें समझाना उन्हें खिलाना मतलब वो इतनी मैं उनको बोलता हूँ इसको बोलो अच्छे डॉक्टर को दिखाया सही हो जाएगा तभी सही होगा. इफ यू कीप सेइंग दिस कि बुखार हो गया ठीक नहीं हो रहा अच्छा आजकल फोन बहुत हो गया तो मतलब क्या फोन मिलाई अपनी फ्रेंड को या अपनी माँ को कि देखना इसे तो इतने अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दिया और इसका तो बुखार ही नहीं होता रहा वो बच्चे सब सुनते रहते वो और बुझ जाएगा. तो उनकी सेंसिटिविटी में बहुत फर्क है उनके पेन परसेप्शन में बहुत फर्क है और मुझे नहीं लगता वो उतना अच्छा लाइफ में बिचारे कर पाते हैं बिकॉज ऑफ से ओनली चाइल्ड. उन पे बहुत प्रेशर रहता है पेरेंट्स उन्हें मौका नहीं देते और हर समय उनके पीछे लगे रहते हैं उनका टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब डिस्टर्ब रहता है. तो देखिए जैसे कि सर ने बताया कि उनको प्रेशराइज नहीं करना है उनको ये समझाना है कि तुम बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा कर सकते हो प्रेशराइज उनको बिल्कुल भी नहीं करना. मैम आपसे जानना चाहूंगी जैसे ना पेरेंट्स और दादा दादी बोलते हैं कि हमारा तो अकेला है तो इस तरह के पेरेंट्स कैसे अपनी साइकोलॉजी को चेंज करें क्योंकि जब तक वो अपनी साइकोलॉजी चेंज नहीं करेंगे बच्चे की चेंज नहीं होगी. तो सबसे पहले पेरेंट्स को चेंज करनी है तो वो किस तरीके से चेंज करें. देखिए सबसे पहले जो साइकी है पेरेंट्स की वो यही गलत है कि इकलौता है तो इसके लिए हमें ये करना है या इसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है. मेरा एक सीधा सा सवाल होता है कि अगर आपके दो तीन बच्चे होते तो क्या आप नहीं कर पाते या तब आप ये सोचते कि एक मरता है तो मरने दो एक असफल रहता है तो रहने दो आप ऐसा तो कभी नहीं सोचते ना. तो दोनों ही बराबर तो आप दो तीन जीत जितने और पहले तो चार पांच भी हुआ करते थे घर में और इससे भी कई बार ज्यादा तो माँ बाप के लिए सारे ही बच्चे एक जैसे हैं. तो ये उस बच्चे के अंदर री इन्फोर्स करना बार बार किसी भी रूप में कि एक लौता है और हमारी तो आंखों का तारा यही है हमारे तो जीने का सहारा यही है हमारे तो बुढ़ापे का सहारा यही है वगैरह वगैरह जो आप उसे तरह तरह से बोझिल कर देते हैं. सो बच्चा ना इतना ज्यादा प्रेशर में आ जाता है और यकीन मानिए वो सबसे ज्यादा इरिटेट आप ही से होता है. तो सबसे पहले आपको अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रखना होगा. आपको इस बात को समझना होगा कि एक बच्चा पहली बात तो या तो आपकी चॉइस है
आपको किसी ने मना तो किया नहीं था दूसरे बच्चे के लिए, या अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है या कुछ भी और जो रीजंस हैं, तो वो गॉड का एक ऐसा गिफ्ट है जिसकी आपको कद्र करनी है, ना कि आपको उस गिफ्ट को इतना ज्यादा रैप अप कर देना है कि वो खोलते 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 थक जाए और अंदर से बिल्कुल ही मुरझाया हुआ हो जाए। क्योंकि आपके पास जो भी बच्चा आया है वो आपको नहीं पता कि कौन सी कैपेसिटी के साथ आया है। कुछ तो हर इंसान का एक बेस होता है ना, अब आप बेस से ऊपर जो है ना कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल लाए तो उसका एक मदरबोर्ड है, ठीक है, तो उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो उसमें जो जो भी सपोर्ट करेगा तो उतने आप उसमें अलग से एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो। बट कुछ एडवांस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो बोलेगा नॉट कंपैटिबल, राइट, डाउनलोड नहीं होगा। इसी तरीके से हम ह्यूमंस होते हैं, हमारी सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। अब जो इकलौता बच्चा होता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, माँ बाप सोचते हैं पता नहीं इसमें क्या क्या इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा होता है कि मेरा हर एक अधूरा सपना पूरा करने के लिए भगवान ने मुझे अब ये दे दिया है हथियार। तो आप देखिए बच्चा एक, कुछ दादा दादी के अधूरे सपने, कुछ माँ के, कुछ पिताजी के, कुछ हो सकता है क्लोज रिलेटिव्स के, तो बच्चा ही तो है वो, कोई बर्डन झेलने की मशीन थोड़ना है। सो वो बच्चे को इतना ज्यादा, और पता है डायरेक्ट नहीं करते, बड़ा इमोशनल टॉर्चर होता है, बहुत ही ज्यादा। और मुझे लगता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में ज्यादा होता है, माएं रोती हैं लिटरली बच्चे के सामने कि तेरी वजह से मैंने इतना सैक्रिफाइस करा, मैंने जॉब भी नहीं करी, एक इकलौता तू ही तो है, तुझसे भी उम्मीद नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। उनको हर तरीके से कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जाता है, वो ये सोचते हैं मैं सब कुछ इसके साथ कर लूं। तो बच्चा जिस बोझ में, जिस स्ट्रेस में वो बड़ा होता है, सो उसमें वो कैसा इंडिविजुअल बनेगा बताइए ना, वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो उसे क्या करा, स्पून फीडिंग दे रहे हैं आप उसे, और आप ना उसके अंदर जबरदस्ती सब चीजें इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी साइकी उसकी नहीं बनेगी ओरिजिनल, उसकी साइकी एक इंस्टॉल्ड साइकी बनेगी जो आपकी थी और आपने जबरदस्ती उसके अंदर घुसा दी। सो यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट फिगर घर में माँ, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा बचपन से लेके मतलब बड़ा होने तक अपनी माँ के एक्सप्रेशंस को रीड करता है। तो माँ जैसा भी अपने बच्चे को सिखाती है तो वो दादी की बात को रिजेक्ट कर देगा, दादा की, पापा, इवन पापा की बात को भी रिजेक्ट कर देगा, वो अपनी मम्मी से बोलेगा मम्मी ये ठीक कह रहे हो ना आप। सो यहाँ पर सबसे पहले माओं को समझना है कि जब भी आपके घर में अगर एक सिंगल बच्चा है, सो आप उसको सबसे पहले तो स्ट्रांग बनाने पर लगाइए, यानी कि आप उसे ये चीज बताइए कि बेटा जो भी आपकी कैपेसिटी में हो सकता है वो आप सब कर सकते हो, लेकिन आप सब कामों में परफेक्ट नहीं हो सकते। और जो ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करते हैं ना अपने बच्चों को, खासतौर से इकलौते बच्चों को, सो मैं आपको बता दूं ऑलराउंडर बच्चे जीवन में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। हर आपको अगर कोई भी चीज करवानी होती है, सपोज आपको किसी डॉक्टर के पास ही जाना है, तो आप स्पेशलिस्ट को तलाशेंगे ना, जनरल फिजिशियन के पास थोड़ा ना चले जाएंगे हर इश्यू के लिए। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट वाले पे जाना चाहेंगे, आपको किडनी की तो आप किडनी वाले पे। सो जो स्पेशलिस्ट होता है उसकी कदर होती है। तो अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर आपको स्पेशलिस्ट बनाना होता है, और उसकी प्रतिभा को, अपनी प्रतिभा को नहीं, अपनी कभी भी प्रतिभाओं को नहीं बचाना होता, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे पर थोप देते हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि एक यही तो है, इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मदर्स करती है ऐसा टॉर्चर। मैं खुद एक माँ हूँ और मैं फीमेल हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस बात को खुले आराम से कैमरा पे एक्सेप्ट कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा मदर्स हैं वो इस तरीके से। मेरी भी एक बेटी है 10 साल की, इकलौती बेटी है, तो मुझे ये चीज प्रैक्टिकली भी समझ में आती है, क्योंकि मैं भी अपने घर में देखती हूँ कि किस किस तरीके के चैलेंजेस हर दिन मेरे सामने आते हैं, मुझे अपनी डॉटर को किस तरीके से मोटिवेटेड चार्जअप रखना होता है। सो मैं उसको इतना स्ट्रांग बना रही हूँ कि वो दो बुखार में भी सीधी खड़ी रह सकती है, वो धूप में भी घंटों घंटों टेनिस खेल सकती है, वो लौकी तोरी से लेकर खिचड़ी तक खाती है, एंजॉय करती है, अगर उसको जंक फूड लिमिट किया जाए सब करती है वो। ये सब क्यों हो रहा है इकलौती बेटी होते हुए भी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसे बाहर खेलना बहुत अलाउ करती हूँ, मैं उसे शेयरिंग सिखाती हूँ, मैं उसे केयरिंग सिखाती हूँ, मैं उसे घर के अभी से ही छोटे मोटे काम कराती हूँ, मेड्स के होते हुए भी मैं उसको इन्वॉल्व करती हूँ उसमें, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आती हूँ, उसे खुद पढ़ने के लिए बोलती हूँ। एंड एक गोल्डन स्टेटमेंट, बेबी यू आर माई बेबी, आप करोगे जो के जैसा भी करोगे आप मम्मा के लिए प्रिंसेस हो, ठीक है। अगर आप कोई चीज नहीं भी कर पाए तब भी आप मम्मा की प्रिंसेस डॉल ही रहोगे, मम्मा आपके इंप्रूवमेंट पर ध्यान देगी, आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगी, क्योंकि ये जो साइलेंट क्रिटिसिज्म है ये इकलौते बच्चे को खराब कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। छोटा 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 स्ट्रेस कब डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो बच्चा 14-15 साल की एज में आपके
एक दिन इतना आउटबर्स्ट करता है और वो आपको वर्स्ट पेरेंट्स कह देता है. और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, बोलते हैं इसने ये बोला है कि आप दुनिया के वर्स्ट पेरेंट्स हो. सो जब पता चलता है उनकी हिस्ट्री कि हमने इसके लिए सब कुछ किया, मैंने सेक्रीफाइस किया वगैरह वगैरह, तो लेकिन आपने सेक्रीफाइस किया वो सारी चीजें हम फिर थोप देते हैं. यस, थोप देना अपने एक्सपेक्टेशन के बोझ के. इसीलिए तो वो कह रहा है वर्स्ट पेरेंट्स हो. सो इस टाइटल से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले मदर, बिकॉज फादर तो माँ की बीवी की हाँ में हाँ मिला देते हैं ज्यादातर, ठीक है, वो थोड़ा कमी इसमें वो करते हैं. तो मदर की साइकी चेंज होनी चाहिए इम्पोर्टेंटली. तो देखिए जैसे कि मैम ने बोला कि मदर्स को अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना होगा, और आपने जो भी अपने बच्चे के लिए किया है वो अपने बच्चे के लिए तो किया है ना, किसी पड़ोस के बच्चे के लिए तो नहीं किया है. तो उसको उसको बताने की जरूरत नहीं है. आपका अपना बच्चा, उसको सब समझ में आता है कि आपने उनके लिए क्या किया है. तो इसलिए थोपिए मत अपने बच्चे के ऊपर. सर इसके बाद आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि मैम ने अभी बताया कि स्टार्टिंग में जो है बच्चे की ये हमें बिहेवियर नहीं समझ में आता है, लेकिन जब तक वो 13-14 के एज तक पहुंचता है और बच्चा डिप्रेशन तक में चला जाता है और अपने पेरेंट्स को बोल देता है कि आपने तो मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, आप दुनिया के वर्स्ट पेरेंट्स हो, तो इस तरह के बच्चों को क्या कुछ मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं या सिर्फ हम उनको बिहेवियरली ही कुछ प्रैक्टिस कराते हैं? देखिए हर चीज की मेडिसिन तो ना बनी है ना बनी. मेडिसिन का तो मेडिसिन वाली प्रैक्टिस में बहुत कम रोल है. अगर हम ट्रूली प्रैक्टिस करें तो ये क्या दो दवाई से ज्यादा नहीं दी जानी चाहिए. बट उनकी एक्सपेक्टेशन, जैसी वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं तो वो सोचते हैं कि बस अब ये रामबाण या मैजिक पैंड घुमा दे और एकदम बच्चा सही हो जाए. अब एक मेरे पास फैमिली नोएडा से भी बच्चा लेके आई, उसका कॉन्स्टिपेशन सही नहीं हो रहा था, उसकी सारी जो प्रॉब्लम थी वो रूटेड थी कॉन्स्टिपेशन से. मैंने उनको बोला इसको एनीमा लगवाने चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, एनीमा लगवा दो. वो बार बार कुछ कहना चाहे मैं बार बार कहूँ कि दोबारा बात करेंगे, आप एनीमा लगवा के तो आओ. वो फाइनली फिर उनका मैसेज आया कि नहीं, ये एनीमा यहाँ नहीं लगवाएंगे. उनका कहना ये था कि रोएगा और संभलेगा नहीं. 7 साल का बच्चा है, वो रोएगा संभलेगा नहीं. मदर फादर दोनों साथ थे क्योंकि उन्होंने उसको ऐसा बना दिया भी अगर ये रोएगा तो वो डर से रोएगा. देखिए डॉक्टर को देख के बच्चे रोते हैं हर बार, तो हम इंजेक्शन लगा रहे हैं क्योंकि उनको फीडबैक बार बार दिया जाता है कि डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लें. कहीं ना कहीं घर में भी बोला जाता है कि चुप हो जाओ वरना इंजेक्शन लगा देंगे. उसकी जो हम सलाह दे रहे हैं एज ए डॉक्टर, जो मैं उन्हें एडवाइस दे रहा हूँ वो तो मैं उनके इंटरेस्ट में दे रहा हूँ ना. मुझे एनिमल लगवा के अगर वो रोएगा तो इसमें इट इज नो फन टू मी, मेरे को इसमें मजा नहीं आ रहा. बट उस बच्चे को ठीक करना मेरी ड्यूटी है, उस बच्चे को ठीक करना. तो मैं कितनी दवाई उसे पिला दूं? आप मुंह से दवाई लेते हैं वो पेट में जाती है, फिर घूम 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 के वो आधा घंटे बाद एक घंटे बाद वो साइट पे पहुंचेगी. तो कोई दवाई इतनी पावरफुल नहीं है कि वो नीचे तक जाते जाते हार्ट से हार्ट स्टूल को ब्रेक कर दे. तो हमें डिसइंफेक्शन के लिए कई बार एनीमा या इस तरह की कोई चीजें यूज करनी पड़ती है. बट उन्होंने सुन के नहीं दिया, फिर वो नोएडा दोबारा पहुंच के फिर मैसेजिंग शुरू हो गई. लाइक तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट जिनके एक ही बच्चा है ना, और वो बार बार उनके दिमाग में वो था कि भाई ये रोए ना. वो उनका जो मेन वो ने एनिमल लगाने से इतराज नहीं था उनको, इस बात से था कि बच्चा रोएगा, ये रोएगा, ये फैल जाएगा. भाई फैल जाएगा, क्यों फैल जाएगा? फैलना तो आपने बना रखा है. बिल्कुल. और मैंने देखा है बच्चे ऐसे नहीं फैलते फैलते, वो जब तक डरते हैं जब तक वो एक प्रोसीजर को उन्हें टैग कर दिया और वो उसे डर जाते हैं कि भी पेन होगा या ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ. बट बाद में इवेंचुअली जब उन्हें फायदा होता तो उन्हें समझ में आ जाता है कि हमारे फायदे के लिए करा गया. तो बच्चों के अंदर अब ये बच्चा आई डोंट नो 12-14 साल की उम्र पे कैसे अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करेगा, एंड इट इज रियली अ प्रॉब्लम. बाद में अब जब हम थे तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, बट अब तो लोगों पे पैसे भी बहुत हैं और स्कूल कॉलेजेस भी बहुत हैं, कोर्स भी बहुत शुरू हो गए, तो वो चांदी का वर्क लगा के उसे कहीं ना कहीं सेट कर ही देंगे. लेकिन जिंदगी उससे पूरी नहीं हो जाती ना. मेरा कहना ये है सिर्फ जो उस बच्चे में पोटेंशियल है, जो ये सिंगल चिल्ड्रन में जो भी ओनली चाइल्ड है, जो इनके अंदर पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल अपने आप में बाहर नहीं आ पाता इस पैम्परिंग की वजह से, इस एक्सपेक्टेशन की वजह से. और आप देखिए कोई भी चीज है जब हम गिरते हैं तभी संभलते हैं. अब अगर हम गिरे और संभलने से पहले किसी ने जो है उठा लिया तो वो फिर हम वो संभलेंगे नहीं. आज की तारीख में क्या हो रहा है कि डिसीज पैटर्न सारा चेंज हो गया. मेरे पास बच्चे आते हैं जो 1 साल की उम्र, 1 to walk 2 to talk जनरली जो हम एज ए डॉक्टर समझाते हैं कि 1 साल पे चलेगा 2 साल पे बोलेगा. अब ज्यादातर अच्छी फैमिली के बच्चे जो शुरू से मेरे ट्रीटमेंट है वो भी 1-1 साल में नहीं चल रहे. अब जब मैं उसे एनालिसिस करता हूँ भाई क्यों नहीं चल रहा,
वो इसलिए नहीं चल रहा कि उसे गोदी से नहीं छोड़ते, ये चोट लग जाएगी, गिर जाएगा, जबकि भगवान ने उसे बनाया ही ऐसा है, उसकी स्कल बोन है, खुली हुई है, गिर भी जाएगा तो उठ जाएगा, उठ जाएगा, और जब तक वो जो अगर टाइम के साथ काम नहीं करेगा तो एक साल के बाद उसके अंदर ना उसका ब्रेन और डेवलप हो जाता है, उसके मन में और डर आने लगता है, तो वो और चलने से बचता है, फिर उसे चोट का भय होने लगता है, जबकि 9 महीने की उम्र पे उसे चोट का भय नहीं है, 10 महीने पे वो सामान पकड़ पकड़ के चलता है और एक साल पे वो इंडिपेंडेंट चलता है, तो उस दौरान अगर वो एक दो बार गिर भी जाता है बच्चा तो उसे फर्क नहीं पड़ता, बट यही बच्चा जो एक साल की जगह 14 महीने का 16 महीने का हो गया तो वो गिरने के बाद डरता है क्योंकि उसे लगता है मेरी चोट लग जाएगी, एंड इट्स प्रीटी कॉमन। खाना बोलना देर से शुरू करते हैं क्योंकि उनका जो टंग का मूवमेंट है वही गड़बड़ हो गया, उसे रहता कि इसे मैं खिला दूं तो बड़ा कमजोर रह जाएगा, इसे मैं खिला दूं, उसका मुंह बीच बीच के वो जबरदस्ती मदर्स खिलाती हैं, दादी खिलाती हैं, सटकना सीख लेते हैं। अब जितनी भी मदर से बात करो जिनकी खासकर जिनके सिंगल चाइल्ड है क्योंकि उनपे टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा है, जिसके 2-3 बच्चे हैं वो तो उलझी रहेगी उसमें, किसी के कपड़े तैयार हो रहे हैं, किसी का टिफिन तैयार हो रहा है, किसी का स्कूल का होमवर्क करना है, बट जिसके एक ही बच्चा है ना उसपे तो सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन उसी पर, काम या तो मेड कर रही है या मशीनें हैं, कुकर है, गैस है, तो उनका जो वर्किंग टाइम है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, फास्ट फूड भी चलने लगा है जो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाता है, तो उनका सारा फोकस उनका ओनली चाइल्ड रहता है, तो वो उसमें उसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में, उसको हेल्दी बनाने के चक्कर में वो बहुत गलती करती है। बिल्कुल, उन्हें ये बात रियलाइज कराना बड़ा मुश्किल है कि भाई ऐसे मत करो। देखिए हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मदर्स को रियलाइज करा पाएं कि वो क्या क्या मिस्टेक्स कर रही हैं और वो लाइफ में उनको आगे जाके क्या उसके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। मैम इसके बाद आपसे जानना चाहूंगी कि ठीक है हमने इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, तो इट्स जो माँ है जो ये सोचती है कि हमारे सिंगल चाइल्ड है हमें इस तरीके से केयर करनी चाहिए, वो अपने बच्चे को किस तरीके से परफेक्ट बना सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन पर फोकस्ड हो गए हैं कि बेटा आप ये करो लेकिन उस तरीके के हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो मदर्स को अपनी पेरेंटिंग को किस तरीके से चेंज करना चाहिए? सबसे पहले तो मदर्स को दिमाग से बात निकाल देनी चाहिए कि ये इकलौता बच्चा है तो मैं अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस उस पर रखूँ और परफेक्शन की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है। दूसरी बात है बच्चे से एज के अनुरूप एक्सपेक्टेशंस रखें आप। अगर वो बच्चा छोटा है 2-3 साल का है, वो चाहे इकलौता बच्चा हो या घर में 4 बच्चे हों, वो अपने एज के अनुरूप ही व्यवहार करेगा। दूसरा, जहाँ पर आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ साथ जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस भी रखनी चाहिए, यानी कि आपका बच्चा वो कर सकता है या नहीं कर सकता पहले ये चेक कर लो, अगर कर भी सकता है तो कितना कर सकता है ये चेक कर लीजिए, बिकॉज आपका एप्रिसिएशन आपके बच्चे को मोटिवेशन दे सकता है, आपका क्रिटिसिज्म चाहे वो साइलेंट हो, साइलेंट क्रिटिसिज्म होता है बच्चे माने मुंह बना लिया, उसके एक्सप्रेशन से बच्चे को पता चल रहा है कि मेरी माँ उदास हो गई है और ना इनको बुरा लग गया है, वो कह नहीं रही है, बच्चे को डांट नहीं रही है लेकिन वो चेहरे से दिखा रही है ऐसा, तो ये जो साइलेंट क्रिटिसिज्म है छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा हर्ट करता है, बच्चा अंदर 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 कुड़ता है कि मैं अपनी माँ को कैसे खुश करूं, क्योंकि उस टाइम माँ एक ऐसी फिगर होती है कि बस उसकी खुशी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चाहे आप पढ़ा रहे हो उसे या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ भी आप ये कर रहे हो, बच्चे को कांस्टेंट आपको एक रेनफोर्समेंट करना है कि बेबी यू आर माय बेबी नो मैटर व्हाट यू डू व्हाट यू अचीव व्हाट यू गेट। सो अभी क्या है कि आपने क्या करा उसको ना हर चीज एक छोटे से स्टार के साथ करवा रहे हैं आप, मैं तुझे ये एक्टिविटी करवा रही हूँ तुझे ना इसमें टॉप रहना है। बिल्कुल, तो वो जो छोटा सा स्टार लगा है ना कि एक्टिविटी करवा रही हूँ तो जिसमें टॉप रहना है वो प्लीज टॉप रहना हटा दीजिए, बेटा मैं ये एक्टिविटी आपके डेवलपमेंट के लिए करवा रही हूँ, आपको इसमें अच्छा परफॉर्म करना है अपनी, आप इसको एंजॉय करो, आप इसे एंजॉय करो, आप अपना बेस्ट देना, ये सही टीचिंग है। दूसरी बात यह है कि बच्चा, ये तो होगी पढ़ाई लिखाई एक्टिविटीज की बात, दूसरा हो गया कि बच्चे को फूड उसको लेके वो सोचते हैं कि एक है कमजोर सा दिख रहा है ना, इसलिए कुछ खाया नहीं है, क्योंकि मदर्स या तो वर्किंग है तो उनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, अगर वो घर में है तो उनके पास एक बच्चे के लिए ज्यादा टाइम। बिल्कुल, सो वो खाने पीने को लेके भी देखा गया है सिंगल बच्चे जो है ना थोड़े से फैटी पाए जाते हैं क्योंकि उनको जरूरत से ज्यादा खिलाया पिलाया जाता है और उन्हें बैठा कर ही दे दिया जाता है, टीवी के आगे बैठ गया बच्चा जम गया और वहीं पर उसकी सेवा मोटा होता जा रहा है। सो वो क्या है, जो उतनी सेवा है वो लिमिट में करें, बच्चे के हाथ पर हिलने दें और उसको ना छोटे मोटे कामों में आप अपने इन्वॉल्व करते
करते रहे ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने, उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए. मैं क्यों कह रही हूँ उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, बिकॉज उसको वहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जब अगर वो आपने कोई टास्क दिया अब वो अकेला नहीं कर पा रहा है तो वो किसी की हेल्प लेगा, घर में दादा दादी की या मेड की हेल्प लेगा या किसी और बाहर वाले की हेल्प लेगा. तो इससे क्या है, उसे एक एज अ टीम काम करना आएगा. जब वो करेगा तो कभी व्यूज शेयर करेगा, तो कभी अपनी चीजें शेयर करेगा, तो उससे वो जो चीजें उसका भाई बहन ना होने की वजह से उसमें नहीं आएंगी, लेट आएंगी या कम आएंगी, वो वहां से कोटा पूरा होता रहेगा. इसके अलावा जो ध्यान रखना है, स्पेशली आप ना एक टीम की तरह बिहेव करें घर में सारे के सारे लोग, जिसमें स्पेशली खास तौर से दादा दादी को, ग्रैंड पेरेंट्स को समझा दिया जाए कि वो बच्चे के सामने बिल्कुल भी इस तरीके से ना कहें कि तू तो इकलौता है, इकलौता है और तू ना मुझे बता दियो, मैं समझा दूंगी तेरे मम्मी पापा को. ये सब चीजें ना करें, वरना क्या है कि वो है ना घर में ही वो भेद करा देगा आपके, बिल्कुल, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन दुश्मन है, कौन वो तीसरी औरत आ गई है आपके और आपके घर वालों के बीच में. वो बच्चा ऐसे होते, मेरे पास था एक बच्चा था, बड़ा गुरु था, दादी की बात मम्मी से जाके कह देता था, मम्मी की बात दादी से जाके कह देता था, क्योंकि इकलौता था तो दादी भी अपनी तरह से पैम्पर करती थी, 10-10 रुपए देके या टॉफी वॉफी देके, और माँ तो करती ही करती है. तो इस तरीके से आप घर में ही ना वो बंटवारा ना करवा दे आपने, तो आपको वो खास तौर से ध्यान रखना है. दूसरा, जो इकलौते बच्चे होते हैं उनका ना इमोशनल क्वोशेंट थोड़ा सा वीक होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जैसे ही उन्होंने उदासी करी या आपने उन्होंने दो आंसू टपकाए तो आप ओवर पैम्पर करने लग जाते हैं. इकलौता बच्चा हो और घर में अगर वो रो भी रहा है किसी चीज के लिए, उसे रोने दीजिए थोड़ा, रोने से कोई नुकसान नहीं होता और मन साफ ही हो जाता है, आंखों की सफाई हो जाती है, ठीक है. तो उसको खूब रोने दें आराम से. वो खाना नहीं खा रहा है तो उसे थोड़ी देर भूखा भी रहने दे. जब वो शांत हो जाए रो पीट के और नॉर्मल हो जाए, आपसे बात करने की कंडीशन में आ जाए, तब आप उससे बात करें. और ऐसा नहीं है कि अब फिर बाद में आप, जब पहले रुला दिया और आपने सब कुछ कर लिया, फिर अब बाद में आप अपनी गलती मानने लग जाए, तो उससे क्या होगा, उससे और ज्यादा खराब हो जाएगा, और ज्यादा रोएगा, और फिर उसको पता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे मिल जाएगी. क्योंकि इकलौते बच्चों के केस में ऐसा करते हैं माँ बाप, अपनी गलती ना होते हुए भी अपनी गलती मानने लग जाते हैं. अरे भाई क्यों मान रहे हैं आप अपनी गलती, इकलौता है तो क्या आफत आ गई है, आप अपनी गलती क्यों मान रहे हैं अगर आपकी गलती नहीं है, और अगर आपकी गलती है तो आपने रुलाया क्यों उससे पहले, तभी आप मान लेते अपनी गलती. तो ये ईक्यू उसका और कमजोर हो जाएगा. ईक्यू में मैं बता दूं पेरेंट्स आपको, इंट्रोपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स आती है. इंट्रापर्सनल स्किल्स यानी कि कितना बच्चा आपका सेल्फ स्मार्ट है. सेल्फ स्मार्ट आप उसे इसलिए नहीं बनने देते हैं क्योंकि आप उसके लिए सब कुछ रेडीमेड रखते हैं, तो उसे मेहनत करने दें. गर्मी अगर हो भी रही है और नहीं भी, आपके घर में सारी सुख सुविधाएं भी हैं, तो मेरे जैसी जालिम माँ बन जाइए. मैं क्या करती थी, भरी गर्मियों में भी एक घंटे के लिए अपनी बच्ची का पंखा बंद कर देती थी. आदत तो पड़नी चाहिए, स्कूल में हर जगह एसी थोड़ी ना, ठीक है, उसको ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो भी फिर प्रॉब्लम होती है. दोपहर को वो मेरी डॉटर का खेलने का टाइम होता है, मेरे घर वाले कोई कहते भी है कि ये कैसे खेलेगी, तो मैंने कहा क्या पता, गई दुनिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं. तो आप अपने बच्चे को जो है ना सेल्फ स्मार्ट बनाइए, यानी कि उसको अपनी कैपेसिटी का पता हो, वो अपने छोटे मोटे डिसीजंस खुद ले सके. और इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि पीपल स्मार्ट, यानी कि दूसरों के साथ कितना घुल मिल के तालमेल करके चल सकते हो. क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझता, जो व्यक्ति दूसरों के साथ तालमेल करके नहीं चल सकता, वो कभी भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता. आप देखिए कितने आईएएस पीसीएस डॉक्टर्स इंजीनियर्स पढ़े लिखा वर्ग भी सुसाइड करता है. क्यों करता है, क्योंकि उनका ईक्यू कमजोर होता है. बचपन से माँ बाप ने ईक्यू पर ध्यान नहीं दिया होता. तो आपको सिंगल बच्चे के केस में ईक्यू उसका बहुत स्ट्रांग रखना है. तो ये आपको बचपन से ही ध्यान रखना है, क्योंकि आप सोचेंगे कि अचानक से 14-15 साल की उम्र पे उसके साथ हम कुछ चमत्कार कर देंगे, तो माफ कीजिए ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है. क्योंकि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी भी के भी पास जाएंगे तो उसको भी कुछ समय लगेगा. तो वो कहते हैं ना कि जब जड़े पकड़नी शुरू हो उसी वक्त आप उखाड़ लें तो उखड़ जाएगी, बट एक बार जड़े पकड़ गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर नहीं हो पाएगा ऐसे. तो इन बातों का ध्यान रखना है. तो देखिए पेरेंट्स, आज आपको बहुत अच्छे टिप्स मिले हैं कि किस तरीके से आपको अपने सिंगल चाइल्ड को संभालना है और उसको एक बहुत अच्छा इंसान बनाना है. थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतने अच्छे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए. सर थैंक यू सो मच, आपने मेडिकल इश्यूज के बारे में हमें बताया. पेरेंट्स आई होप कि आपको हमारे ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप फिर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं. आज के हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीक Tuesday at 6:30 p.m. Bye-bye.